डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर एनसीईआरटी बुक क्लास 11 का मिसलेनियस चैप्टर 10 का प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें आपको पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ऑफ थीटा एंड पी इफ इक्वेशन दिस इक्वेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का ये नॉर्मल फॉर्म है। तो गिवन लाइन इज, आप देखिए, गिवन लाइन इज रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये समझना है कि ये नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। तो आप देखिए, नॉर्मल फॉर्म होता है इस तरह से, ऐसी लाइन जिस पे ओरिजिन से पी लेंथ का परपेंडिकुलर डाला जाता है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। फिर से एक बार मैं आपको बोलता हूँ, अ लाइन अपॉन विच अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज ड्रॉन हुज लेंथ इज पी एंड द परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसी लाइन जिस पे ओरिजिन से पी लेंथ का परपेंडिकुलर डाला जाता है और लाइन नहीं परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। पी इज व्हाट? पी इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देयरफॉर पी इज लेंथ, पी इज लेंथ, तो पी मस्ट बी पॉजिटिव। पी मस्ट बी व्हाट? पॉजिटिव। अब आप देखिए, लेफ्ट साइड कंटेन्स एक्स एंड वाई ओनली, राइट साइड कंटेन्स कॉन्स्टेंट, तो इसलिए इस इक्वेशन में आपको कॉन्स्टेंट को राइट साइड में भेजना होगा। आप राइट साइड में कॉन्स्टेंट को भेज दीजिए। राइट साइड में आप कॉन्स्टेंट भेजेंगे तो आपके पास हो गया माइनस टू। पर आप देखिए कि राइट साइड क्या है, आपकी लेंथ है, तो राइट साइड मस्ट बी पॉजिटिव। तो टू मेक इट पॉजिटिव वी शैल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय माइनस वन। माइनस वन से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा टू। अब आप देखिए कि एक्स इंटू क्या है, कॉस थीटा है, वाई इंटू साइन थीटा है। अब इसको कॉस थीटा तो नहीं लिख सकते आप, दिस कैन नॉट बी कॉस थीटा बिकॉज कॉस थीटा कैन नॉट बी लेस देन माइनस वन। आपको मालूम है कॉस थीटा एंड साइन थीटा बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन और इक्वल टू प्लस वन। तो दिस कैन नॉट बी कॉस थीटा एंड दिस मे बी साइन थीटा बट इफ दिस इज नॉट कॉस थीटा देन दिस फॉर्मूला कैनॉट बी यूज हियर। सो टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टू दैट इक्वेशन देर इज अ मैथड जो कि आप जानिए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी को अगर आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बोथ द साइड्स मस्ट बी डिवाइडेड। इफ यू विश टू कन्वर्ट इट इन टू नॉर्मल फॉर्म देन बोथ द साइड्स मस्ट बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टू कन्वर्ट इट इन टू नॉर्मल फॉर्म बोथ साइड्स मस्ट बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस केस में आप डिवाइड करें रूट ओवर ए स्क्वायर, ए इज व्हाट, माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर प्लस माइनस वन होल स्क्वायर, दैट इज माइनस स्क्वायर मीन्स प्लस,
root 3 square is 3, plus will remain plus, minus 1 whole square is 1, 3 plus 1 is 4, and square root of 4 is 2. And you cannot take negative value, you will have to take only positive value. So this implies minus root 3 by 2x plus minus 1 by 2 y is equal to 2 by 2. अब आप देखिए कि this can be cos theta. If you compare this equation with the given equation, then this can be cos theta and this can be sin theta, which implies on comparing this equation with this equation, you will find cos theta is minus root 3 by 2, sin theta minus 1 by 2, and p is equal to 1. We were asked to find p and theta. So p to humne nikal liya. Now p is known to us. Par abhi bacha hai theta nikalna. To theta ke liye aapne dekha ki cos theta is minus root 3 by 2. Sin theta is माइनस वन बाय टू. तो थीटा दोनों केस में थीटा है, तो थीटा की एक कॉमन वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी. तो आप नोटिस करेंगे कि कॉस थीटा इज नेगेटिव, साइन थीटा इज नेगेटिव. इट मींस नंबर बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉस एंड साइन बोथ आर नेगेटिव. तो अब आप देखिए कि cos थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस रूट थ्री बाय टू कब होता है. तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. पाई प्लस इसलिए हमने ऐड किया क्योंकि आपको पाई के बाद ही वैल्यू मिलने वाली है. यहाँ से यहाँ तक एंगल हो गया पाई, अब आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो पाई के बाद ही मिलेगी. और कॉस थीटा ये है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस इज देयर. और कॉस कब रूट थ्री बाय टू होता है, तो कॉस होता है 30 डिग्री में रूट थ्री बाय टू. तो थीटा की जगह आ जाएगा आपके पास कॉस पाई प्लस 30 डिग्री, और कॉस पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं आप, माइनस कॉस पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज माइनस साइन पाई बाय 6 उस वैल्यू इज माइनस साइन पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6 इज माइनस 1 बाय 2. तो आप देखिए कि आपका जो ये एंगल है ये कौन सी वैल्यू के लिए माइनस रूट थ्री बाय 2 हुआ है, तो ये इस वैल्यू के लिए हुआ है जो दोनों में कॉमन है. हेंस द एंगल थीटा इज पाई प्लस पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6. आंसर होगा आपका थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 एंड पी इज इक्वल टू 1. पी इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू दिस. इससे आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे थीटा लिखा है, यहाँ पाई प्लस थीटा लिखा है. यहाँ बदल भी सकते हैं, यहाँ चाहें तो थीटा की जगह आप फाई लिख दें, ये कोई इश्यू नहीं है. पर थीटा आपका यही होगा, थीटा ये नहीं होगा.
थीटा आपका ये होगा, जिसके लिए टोटल वैल्यू माइनस रूट थ्री बाय टू है, टोटल वैल्यू माइनस वन बाय टू है। विश यू ऑल द गुड लक।